हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ रुचि सिन्हा, एक बिहारी, और आज की रेसिपी है सोल एंड स्वीट चिकन सूप, जो कि सर्दियों में हमें बहुत गर्माहट देती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत टेस्टी भी होती है। तो ये जो मैं रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही इजी रेसिपी है और ये तीखा नहीं होने की वजह से, ज़्यादा मसाले नहीं होने की वजह से बहुत हेल्दी भी है, फुल ऑफ वेजीज यानी विटामिन एंड प्रोटीन है और सर्दियों में हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत गर्माहट देती है। तो चलिए फटाफट से हम रेसिपी देखते हैं। इसके पहले, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं सोर एंड स्वीट चिकन सूप की रेसिपी। तो चिकन सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को बॉईल करेंगे। मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इसमें हम डालेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, पेपर 1/4 टीस्पून और एक ग्रीन चिली को हमने बीच में से स्लिट करके रख लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम कुकर में डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 ग्लास वाटर और हम इसमें 2 प्रेशर लगा लेंगे, इसको बॉईल कर लेंगे। हमारा चिकन बॉईल हो गया है, ये देखिए, बॉईल करके हमने उसको छान लिया है, चिकन स्टॉक अलग कर लिया, चिकन अलग और चिकन को श्रेड कर लिया है छोटे छोटे। अब इसके अलावा हमने लिया है गाजर, इसको भी छोटे छोटे काट लिए हैं, शिमला मिर्च इसको भी छोटे छोटे काट लिए हैं, ये प्याज है, ये जो पत्तों वाला प्याज होता है इसको भी छोटे छोटे काट लिए हैं। इसके अलावा ये सोया सॉस 1 टीस्पून, वेनेगर 1 टीस्पून, ये टोमेटो सॉस है 1 टेबलस्पून, ये कॉर्नफ्लोर, इसको हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को हमने थोड़े से पानी में घोल लिया है, और ये रिफाइंड ऑयल है। इसके अलावा अगर आपको तीखा पसंद है तो आप चिली सॉस भी ले सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तुमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, ऑयल डाल दिया इसमें, इनको गर्म होने देते हैं, इसमें प्याज डाल देते हैं। कॉर्नफ्लोर डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालने से पहले उसको एक बार ऐसे मिला लें। अब इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए और इसमें बॉईल आने देंगे। आप इसमें अपने पसंद की और भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे आप इसमें स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, आप इसमें बीन्स डाल सकते हैं,
आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्च और ज़्यादा, ग्रीन चिली और ज़्यादा और चिली सॉस डाल सकते हैं। तो आप इसमें अपने हिसाब से थोड़ी वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, अब इसमें बॉयल आने देते हैं, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये हमारा सोप एंड स्वीट जो है वो चिकन सूप बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे। इसमें आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं और धनिया पत्ता से इसको गार्निश कर सकते हैं। बस ये बिल्कुल तैयार है, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है और बिल्कुल तैयार है हेल्दी सोर एंड स्वीट चिकन सूप। ये हमारे बहुत ही टेस्टी सोर एंड स्वीट चिकन सूप बनके तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए इस विंटर में, ये बहुत आसान है बनाना और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, सबको पसंद आती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।